तो कोरोना के हमले से देश में कारोबार पर इसका बुरा असर पड़ा है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक व्यापार मंदी के दौर से गुजर रहा है। चाहे दिल्ली का जनपद हो या जयपुर का चौपड़ बाजार, हर जगह बाजारों में उदासी छाई हुई है। कहीं पर बाजार बंद है तो कहीं बाजारों में ग्राहक ही नजर नहीं आ रहे हैं। दो तस्वीरें आप इसी से जुड़ी देख रहे हैं, किस तरह से महानगरों पर अब इसका असर पड़ा है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तस्वीर है वो दिल्ली की तस्वीर, जहां पर देश अनलॉक वन की तरह आगे इसे लेकर बढ़ चुका है। लोगों को रियायतें दी गई हैं, इसके तहत दुकानें बाजार खुले, लेकिन आलम यहां पर यह है कि दुकानों पर ग्राहकों का नामो निशान नहीं है। दिल्ली का मशहूर शॉपिंग स्पॉट कहे जाने वाले जनपद, जो कोरोना संकट से पहले लोगों से भरा पड़ा रहता था, आज वो सूना पड़ा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जनपद पर आधी से ज्यादा दुकानें बंद पड़ी हैं, और जो खुली भी हैं वहां पर पिछले 10 दिनों से एक भी ग्राहक नहीं आया है। देश में अनलॉक होना शुरू हो गया है, अलग अलग चीजों पे छूट मिल चुकी है और मार्केट्स में तो शुरुआत से ही छूट मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जितनी भी दुकानें हैं वो अब भी नहीं खुल रही हैं। कुछ दुकानें मार्केट्स में खुल रही हैं और इस वक्त हम लोग जनपद मार्केट में हैं, कनॉट प्लेस के पास। आप देखिए कि कुछ दुकानें जो हैं वो खुली है। एक दुकान इस पूरी लेन में आपको दिखा रहे हैं कि सिर्फ एक दुकान है जो खुली है, बाकी सभी दुकानों के शटर डाउन है। देखें आप तो सभी दुकानें जो हैं वो बंद हैं, और बीच में आप फिर आगे थोड़ा देखेंगे तो एक दुकान यहाँ पर और खुली है और बंद है। सरकार की तरफ से जब छूट मिल चुकी है कि आप दुकानें खोल सकते हैं, उसके बावजूद भी जो दुकानदार है वो क्यों दुकानें बंद कर रहे हैं? ये आपकी दुकान है? हाँ जी, ये मेरा की दुकान है, और तकरीबन 12 बजे के करीब हम दुकान खोलते हैं और 3-4 बजे तक इंतजार कर करके कस्टमर का, जब कस्टमर कोई नहीं आता है तो हम बंद करके चले जाते हैं। और दिमाग में डर तो है ही, आज 1 तारीख से 10 तारीख हो गई है, बोनी नहीं करी है 10 दिनों में। अब तक आपने बोनी नहीं करी है, तो ये कुछ हाल इस वक्त शॉपकीपर्स का है। भैया कितने लोग दिन भर में आते हैं आपके? एक भी नहीं आ रहे हैं जी, 11:30 बजे से दुकान खोल रखे हैं, कोई नहीं आया अब तक। नहीं, अभी तक अभी कोई नहीं। तो ये जितनी भी दुकानें हैं ये पूरी जनपद मार्केट है, और यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं ये सब इसलिए बंद हैं क्योंकि कस्टमर्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे, क्योंकि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह से दिल्ली में खुला नहीं है, मेट्रो भी बंद है। लेकिन इसके साथ ही जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, वो एहतियात के तौर पर भी, क्योंकि अभी कोरोना का जो संक्रमण है खत्म नहीं हुआ है, दिल्ली में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए भी कई जो लोग हैं वो इस वजह से भी शॉपिंग के लिए नहीं आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो शॉपकीपर्स हैं उनके सामने ये समस्या आ रही है, जिसके चलते कई शॉपकीपर्स अब भी अपनी दुकानें बंद करने पर मजबूर हैं। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। तो ये आपने दिल्ली की तस्वीर देखी, खासतौर से जनपद की तस्वीर, जहां पर देखा कि आधे से ज्यादा दुकानें या तो बंद है लॉकडाउन अनलॉक वन में आने के बावजूद भी, या फिर जो दुकानें खुली हैं वहां पर ग्राहक नहीं है। देखिए, थोड़ा सा समझना जरूरी है कि हम ये कवरेज क्यों कर रहे हैं, एक एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको क्यों दिखा रहे हैं। वो ये कि हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद इस साहस वाली कवरेज को आपको दिखाना है, ताकि जितनी ज्यादा हो सके। लॉकडाउन का मतलब क्या था? लॉकडाउन का मतलब ये नहीं था कि हम कोरोना को एलिमिनेट कर रहे हैं, मतलब ये था कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की तो कोई वैक्सीन है नहीं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, राजनीतिक दलों को और बाकी लोगों को भी बताने की जरूरत है कि वक्त ये राजनीति का भी नहीं है, अगर हम राजनीति करेंगे तो कोरोना से कैसे लड़ेंगे। हालांकि कमोबेश जो दिल्ली का हाल था, जयपुर का भी वही हाल है, इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। लॉकडाउन के बाद में जयपुर के तमाम बाजार खोल दिए गए हैं, बाजारों में क्या रौनक है, क्या वाकई जो दुकानदार यहां पर पहुंच रहे हैं, क्या उनकी दुकानों पर उपभोक्ता या ग्राहक पहुंच रहे हैं, इन्हीं से हम जानते हैं आखिरकार दुकानों के क्या हालात हैं। आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले ये बताइए कि दुकान आपकी खुले हुए कितने दिन हो चुके हैं आपको, और क्या ग्राहक आपकी दुकानों पर पहुंच रहे हैं? दुकान एक हफ्ता हो गया पूरा, एक हफ्ते में कोई ग्राहक नहीं आ रहा इधर। एक हफ्ता इनको हो चुका है लेकिन बोनी तक अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, अभी तक भी दुकानों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बड़ी चौपड़ बन इस वक्त मौजूद है जो रामगंज के ठीक नजदीक है, क्या इसी का असर है कि आपकी दुकानों पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं? ये पूरा चारों तरफ ही ये असर है, केवल रामगंज का कोई असर नहीं है, ये चारों तरफ कोरोना का डर है। और पूरी चार दीवारी आप मान लीजिए, और एक भी ग्राहक हमारे यहाँ पूरे हफ्ते भर में नहीं आया अभी तक। कोई बोनी का काम नहीं है, कुछ नहीं है, खाली दुकानों की सफाई करते हैं और बैठ जाते हैं। सारे व्यापारी आप देख सकते हैं कि तमाम जो व्यापारी है अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं, हालांकि दुकानें जरूर खुल रही है, व्यापारी दुकानों पर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तक ग्राहक
उनकी दहलीज तक नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द कस्टमर्स भी दुकानों तक जरूर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। अब सोचिए बाजार तो खुल गए, लेकिन नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश के अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन, साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें देखें। जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी, मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोज़,